लेकिन फिर ज़िंदगी ने धोखे दिए, ज़िंदगी ने भी दिए और से भी मिले, बस उधर से इंस्पायर हुए, थोड़ा थोड़ा लिखते गए, गहराई आते गए। जो ज़िंदगी के धोखे थे वो तो बहुत गलत हुए, बाकी जो हुए कुछ जो होता है सही के लिए होता है, अच्छा हुआ। अगर नहीं होते तो शायद ये बुक आपके सामने नहीं होती, जो हुआ अच्छा हुआ। नमस्कार, सुमी सचदेव हमारे साथ हैं, इनकी पुस्तक का विमोचन हुआ है और पुस्तक का नाम मे बी दिस मे बी दैट है, इंग्लिश में ये पुस्तक है। आप तमाम लोग भी इस पुस्तक को अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या पुस्तक है, उन्होंने अपनी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो इसमें लिखा है या कुछ और है या फिक्शन है, वो पूरी बातचीत इनसे करेंगे। इससे पहले आपको शुभकामनाएं। टाइटल से ये समझ आता है कि मे बी दिस मे बी दैट, कि ये होना चाहिए था या वो होना चाहिए था, तो थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि जो टाइटल आपने चूज़ किया क्या इसका मतलब है और अंदर पुस्तक के क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहले अंशु जी आपका धन्यवाद करता हूँ कि जो आप कवर कर रहे हैं। ये जो बुक है मे बी दिस मे बी दैट, ये बेसिकली सिंगल सब्जेक्ट मैटर पर बेस्ड है, जिसका एक ही, अगर मैं बोलूँ पूरी बुक का एक ही टाइटल है मे बी। मे बी टाइटल है कि काश या असमंजस, असमंजस की स्थिति जब इंसान की लाइफ में होती है कि ये करें या वो करें, उसी असमंजस पर ये आधारित है। मे बी मतलब शायद, या फिर आप काश बोल दो उसे कि शायद ऐसा हो सकता था, काश ऐसा होता। आपको हर पोइट्री मे बी से स्टार्ट होती दिखाई देगी, हर पोइट्री। ये मेरा एक थीम थी कि मैं मे बी से स्टार्ट करूँ, और बेसिकली उन संभावनाओं को टारगेट करती है बुक जो कि लाइफ में हो सकती थी, जिसकी वजह से हमारी लाइफ किसी बेटर मोड पे जा सकती थी लेकिन कारणवश नहीं हो पाई। उसमें कुछ अपनी भी गलतियां होती हैं, कुछ वक्त की गलतियां होती हैं, वक्त की गलतियां नहीं बोलूँगा, वक्त की मार बोल सकते हैं उसको, और कुछ सामने वाले की गलतियां होती हैं। तो इसी के बेस्ड, इसी पे बेस्ड है ये मेरी बुक। और ये बुक जो है ये मल्टी डायमेंशनल है। अगर आप इसको बोलोगे कि पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए, फॉर एग्जांपल आजकल मोस्टली कुछ लोग लाइक कपल को लेके रिलेट कर देंगे, कपल के लिए, ऐसा नहीं है। आप इसको, इसमें कुछ दो पोइट्री हैं, आप अपने पेरेंट्स को डेडिकेट कर सकते हो। इसमें मेरी बहुत एक फेवरेट पोइट्री बोलूँगा जो मैंने लिखी है, जो मैंने अपने पेरेंट्स को डेडिकेट की है, कि जो इतना कुछ करते हैं लेकिन बताते नहीं हैं, जताते नहीं हैं, और उनकी कदर हमें कब बाद में पता लगती है। तो वो मेरी फेवरेट पोइट्री है एक। उसके अलावा आप फ्रेंड्स को डेडिकेट कर सकते हो, क्लोज वंस को डेडिकेट कर सकते हो, अपने रिलेटिव्स को डेडिकेट कर सकते हो। असमंजस की स्थिति रखी है आपने इसमें भी, कि किसी को भी डेडिकेट कर सकते हो, लेकिन आपने क्या सोच कर लिखी है, क्या अपनी लाइफ के जो एक्सपीरियंस है आपके, वो एक्सपीरियंस आपने शब्दों में पिरोने की कोशिश की है और इस बुक को उसके बाद लिखा है, या फिर लोगों के भी एक्सपीरियंस, लोगों से भी बातचीत करके, या आप अपने आसपास जो देखते हैं, क्या वो एक्सपीरियंस भी इसमें शामिल है? एक कहावत है कि एक पोइट अधूरा पोइट है जब तक वो अपने जीवन पे ना लिखे। तो इससे एक बात तो क्लियर है, इसमें ज़्यादातर पोर्शन मेरी ही लाइफ पे बेस्ड है, लेकिन इसके बाद भी अपने फ्रेंड्स को देख के, आगे पीछे के लोगों को देख के, जो मैंने महसूस किया है उसको शब्दों के ज़रिए बयां करने की कोशिश की है। और मैं जल्द ही इसका पूरा एक ट्रांसलेटेड पोर्शन हिंदी में भी लाऊँगा इसी बुक का, ताकि ये इंग्लिश एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए रह जाती है कि हाँ वही ऑडियंस पढ़ेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ हिंदी में भी आए और इसे मेरे एज ग्रुप से ऊपर के लोग भी पढ़ें और मेरे से नीचे के लोग भी पढ़ें, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके कि मैं लिखना क्या चाहता हूँ, भावनाएं क्या है मेरी। कितने पन्नों की ये बुक है? और अमेजोन से तो ये मिलेगी, उसके अलावा अगर रियासी में आपसे संपर्क करके या किससे संपर्क करके या किसी स्टेशनरी की शॉप में भी ये बुक अवेलेबल होगी? ये 35 पन्नों की किताब है और ये अमेज़ॉन पे आपको सिंपली टाइटल टाइप करते ही आ जाएगी, मे बी दिस मे बी दैट करके आपको सिंपली वहाँ पे आ जाएगी। अगर वहाँ से कोई ख़रीदना चाहता है तो भी है, अगर कोई वहाँ से नहीं ख़रीदना चाहता, क्योंकि बहुत से लाइक स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन, उनके अकाउंट्स नहीं है, वो किसी का फ़ोन यूज़ करते हैं, तो वो ऑफलाइन इसे ख़रीद सकते हैं। ड्रीम डेकोरेटर्स करके दुकान है नेवरसी चौक में, जियो ऑफिस के सामने, वहाँ पर मैंने बुक सेल के लिए रख ली है, तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हो इसे किसी भी वक्त, किसी भी समय, किसी भी दिन। क्या उम्मीदें हैं कि लोग परचेज करेंगे अमेज़ॉन से, ख़ास तौर पे बात करें? और इसके अलावा क्या और कुछ पुस्तकों पर भी काम चल रहा है, और कुछ लिखने की भी कोशिश है, पाइपलाइन में है, या फिर पहले से लिखी हुई है और रिलीज़ करनी है बुक की शक्ल, उसे देनी है? मेरी एक नावल आ रही है, जल्दी आ जाएगी नावल, जिसका शीर्षक मैं आपको बता दूँ, डिसेप्टिव वर्ल्ड, मतलब दिखावी दुनिया बोल सकते हो या छलावी दुनिया बोल सकते हो, वो जल्द ही आ जाएगी मार्केट में। और भी पोइट्रीज वाली भी बुक है, नॉवेल भी है, और एक दो डोगरी में भी चाहता हूँ कि डोगरी को प्रमोट करने के लिए कुछ ना कुछ करूँ, अभी तक हुआ नहीं है ऐसा, लेकिन ज़रूर ट्राई करूँगा मैं। यानी कि अब ये सिलसिला आगे लगातार जारी रहेगा, बिल्कुल रहेगा।
और इसी के चलते हमने प्लेटफॉर्म भी क्रिएट किया है सुनो सुनाओ, जहाँ पे हम हर मंथ एक ओपन माइक इवेंट करेंगे, करते भी हैं, दो हो चुके हैं आगे डेली, मतलब सॉरी एवरी मंथ हम लोग एक इवेंट करेंगे जिसमें इन चीज़ों को प्रमोट किया जाएगा। और रियासी के जो पुराने कलाकार हैं, जैसे कि आज भी हमने अपने रिलीजिंग फंक्शन में पुराने कलाकारों को, राही सर हो गए, भट्टी सर हो गए, शादाब सर हो गए, संजीव सर हो गए, इन जैसे लोगों को बुलाया था, आगे भी हम इनको ऐसे फंक्शंस में इनवाइट करेंगे और रियासी की कला को वापस पूर्ण जन्म देने की कोशिश करेंगे। एक सवाल जो इस समय पूछना ज़रूरी भी है कि शुरुआत से ही लिखना शुरू कर दिया था जब स्कूल में थे, या फिर बाद में कुछ लाइफ में ऐसा हुआ आपको लगा कि ये एक्सपीरियंस जो है उसे शब्दों में पिरोना चाहिए, और उसी के बाद आपकी जो सही मायने में लिखने की शुरुआत हुई? फर्स्ट ईयर में था तो मैंने अपनी पहली पोइट्री लिखी थी, सिंपल जीवन पे कविता लिखी थी। स्कूल टाइम नहीं लिखा था ज़्यादा? स्कूल टाइम नहीं लिखा था, जीवन पे कविता लिखी थी फर्स्ट ईयर में, और वो लाइफ पे थी, उसमें कोई ज़्यादा डेप्थ नहीं थी। लेकिन फिर ज़िंदगी ने धोखे दिए, ज़िंदगी ने भी दिए और से भी मिले, बस उधर से इंस्पायर हुए, थोड़ा थोड़ा लिखते गए, गहराई आते गए। और अब क्या कहेंगे कि जो धोखे मिले आपने, उन धोखों में जो एक्सपीरियंस मिला उन्हें शब्दों में पिरोकर एक किताब रिलीज़ कर दी है, अब क्या सोचते हैं कि वो धोखे ठीक हुआ या अभी भी आपको लगता है कि वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए? जो ज़िंदगी के धोखे थे वो तो बहुत गलत हुए, बाकी जो हुए कुछ जो होता है सही के लिए होता है, अच्छा हुआ, अगर नहीं होते तो शायद ये बुक आपके सामने नहीं होती, जो हुआ अच्छा हुआ। एक बात क्लियर हो गई है कि ये उन्हीं धोखों पर आधारित बुक है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि माँ बाप पर भी सोच सकते हैं या दोस्त पर भी, ब्रदर पर भी, तो ये उन्हीं धोखों पर आधारित आपने अपना एक्सपीरियंस लिखा। मैं यहाँ पे आपको टोकूंगा, थोड़ा खुलकर बताएंगे कि कौन से धोखे हुए थे। अब यहाँ मैं आपको टोकूंगा कि ये धोखे यूनिडाइमेंशनल नहीं है, ये धोखे भी ज़िंदगी के धोखे हैं, दोस्तों के धोखे हैं, अपने प्रियजनों के धोखे हो सकते हैं, रिश्तेदारों के हो सकते हैं, ये यूनिडाइमेंशनल नहीं है, इसको एक वे में मत लें। जल्दी ही कुछ और किताबें आने वाली हैं या थोड़े वक्त के बाद? हाँ, विद इन 1 or 2 months मेरी एक और किताब आ जाएगी, अगर भगवान ने चाहा तो जल्दी ही आ जाएगी, सब कुछ सही रहा तो ज़रूर, डेफिनेटली। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप। थैंक यू अंजलि। तो सुमी सचदेव, जिनकी आज किताब मे बी दिस मे बी दैट रिलीज़ हुई है, आपको बता दें कि रियासी के मैड प्रिज्म फास्ट फूड में एक कार्यक्रम हुआ है, और उस कार्यक्रम में SSP रियासी शालिंदर सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे, और उनके साथ कुछ लेखक भी पहुंचे थे और कुछ और अतिथि भी पहुंचे थे। तमाम लोगों की मौजूदगी में इस बुक को रिलीज़ किया गया है। तो चलिए फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, मेरे सहयोगी संयम के साथ मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।